कला के प्रकार, कला कितने प्रकार की? कला दोस्तों, कला के अनेकों प्रकार हैं। जैसे भिन्न भिन्न रीतियों के अनुसार चित्रकला या कला, मोटे तौर पर जिस वस्तु रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर इस कला का प्रकार कहलाता है। जैसे वास्तुकला या स्थापत्य कला, वास्तुकला या स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण कला, जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि सभी। मूर्तिकला, मूर्तिकला के अंतर्गत पत्थर या धातु की छोटी बड़ी मूर्तियाँ। चित्रकला भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित चित्र। इसके बाद मद भांड कला का अर्थ है मिट्टी के बर्तन। मुद्रा कला सिक्के या मोहरे, मुद्रा कला कभी कभी जिस पदार्थ में कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार जाना जाता है। जैसे प्रस्तर कला पत्थर से गढ़ी हुई। प्रस्तर का मतलब पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां मतलब प्रस्तर कला। धातु कला कांसे, तांबे अथवा पीतल से बनाई गई मूर्तियां धातु कला के अंतर्गत। दंत कला हाथी के दांत से निर्मित कलाकृतियां दंत कला के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद मृत्तिका कला का अर्थ ये है, इसका मतलब ये है मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां जिसे मिट्टी के खिलौने मृत्तिका कला के अंतर्गत आती है। इसके बाद हमारा हो गया चित्रकला के बारे में हमने आपको बताया। कागज पर, भोजपत्र या भवन की दीवारों, भित्तियों पर, स्तंभों, छतों या कपड़ों पर मतलब वस्त्रों पर, ये हमारा अंकित चित्र चित्रकला के अंतर्गत। तो दोस्तों चित्रकला ये कला के प्रकार हो गए। उत्कीर्ण कला या भास्कर्य कला जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इस चटपटे फलक या पृष्ठ भाग सपाट रहता है या फिर दोनों ओर से उकेर कर दोनों अलग अलग मूर्ति फलक बना दिए जाते हैं। किसी भवन या मंदिर की दीवार, स्तंभ अथवा भीतरी छत पर उत्कीर्ण मूर्तियों का केवल अग्रभाग ही दिखाई देता है। यद्यपि गहराई से उकेर कर उन्हें जीवंत बना दिया जाता है।
सिक्कों की आकृतियों पर भी कोट की जाती है। अर्धचित्र बास रिलीफ, अर्धचित्र बास रिलीफ की भी दो शैलियाँ निर्मित हैं, हाई रिलीफ लो रिलीफ, हाई रिलीफ लो रिलीफ। विद्वानों ने कला मर्मज्ञों ने कला को जिस प्रकार परिभाषित किया उसमें प्रायः ललित कला की ध्वनि होती है। ललित कला प्रत्येक कलाकृति से कलाकार एवं दर्शकों दर्शक दोनों को ही यदि एक प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त हो तो उसे सच्चे कर्मों अर्थों में कला की संज्ञा दी जाती है।